बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल सायमास डेली कुजीन। एक ऐसे रवायती मीठे की रेसिपी आज मैं आपसे शेयर कर रही। जब भी आपको कुछ मीठा खाने का दिल चाहे, आप इसको फौरी बनाइए। झटपट बनने वाली रेसिपीज़ और ट्राई कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा। मेरी रेसिपी किसी भी स्टेज में आपको पसंद आती है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए, उससे मेरी हौसला अफजाई होती है। शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा, कंप्लीट रेसिपी फुल वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह लजीज मज़ेदार डिलीशियस रेसिपी तैयार हो जाएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है, उसमें तकरीबन हाफ के जी के करीब मैंने मिल्क ऐड किया है। जब दूध में अच्छा सा उबाल आ जाए तो 5 से 6 हरी इलायची ऐड की है मैंने। 2 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ खोपरा ऐड किया है, अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ उसको मैं। उसके बाद मैंने 4 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी ऐड की है, उसको मज़ीद हम पकाएँगे दूध को। 1 टेबल स्पून मैंने घी लिया है। पिस्ते, बादाम और किशमिश थोड़े से मैंने इसमें ऐड किए हैं। जो भी नट्स आपके पास अवेलेबल हो वो आप उसमें ऐड कर दीजिए। अच्छा सा हम इसको रोस्ट करेंगे, उसके बाद दूध में ऐड कर देंगे। उसी फ्राइंग पैन में मैंने 4 छोटी इलायची ऐड की है, 1/2 कप के करीब मैंने इसमें सेवैयाँ ऐड की हैं, चूरा करके ऐड किया। आप इसको अच्छा सा रोस्ट करेंगे, उसके बाद इन सेवैयों को भी हम ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट हम इसको पकाएँगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से परफेक्ट से हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। कितनी क्रीमी बनी है, मज़ेदार बनी है, जायकेदार बनी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा, कंप्लीट रेसिपी फुल वॉच कीजिएगा। माशाल्लाह से मज़ेदार, जायकेदार, डिलीशियस मीठी सेवैयाँ तैयार हो गई हैं, दूध वाली सेवैयाँ तैयार हो गई हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जब भी आपका दिल चाहे झटपट बनाइए, मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स, डोंट फॉरगेट टू वॉच कम्प्लीट वीडियो। इंशाल्लाह लजीज फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद बाबा टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।